कर्म का फल व्यक्तिगत मिलता है या सामूहिक? ठीक है, लिखा है कर्म का फल व्यक्तिगत अथवा सामूहिक। ये बहुत बड़ा प्रश्न है दुनिया में, बहुत लोग पूछते हैं। जब ये विषय वहां दिया था तो बहुत लोग, एक टॉपिक हुआ नहीं दूसरे प्रश्न चालू हो जाते थे। मैं कहता था रुक जाओ, इस प्रश्न का जवाब आगे मिलने वाला है। और भी कुछ टाइप के प्रश्न हैं उनके, और भी एक दो पॉइंट हैं जिनका समाधान भी आगे आगे क्रम क्रम से होने जा रहा है। तो बात यह है कि कर्म का फल व्यक्तिगत है कि सामूहिक है? यदि अपराध सामूहिक है तो उसका फल सामूहिक, और यदि अपराध व्यक्तिगत है तो उसका फल व्यक्तिगत। सामान्य परिभाषा तो यही बनती है, लेकिन वास्तव में देखा जाए सच्ची सच्ची बात तो यह है कर्म का फल व्यक्ति को स्वयं व्यक्तिगत ही मिलता है, सामूहिक देखने में आता है। इसलिए स्थूल रूप से कथनचित सामूहिक भी कह दिया जाता है कि सामूहिक भी मिलता है और व्यक्तिगत भी मिलता है, क्योंकि एक साथ जिन्होंने काम गड़बड़ किए होंगे, गलत काम किए होंगे, तो एक साथ सजा भी मिल जाती है। लेकिन सर्वथा नहीं है, बिल्कुल पक्का नियम तो बनेगा व्यक्तिगत का, सामूहिक का इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि 100 लोगों ने एक साथ अपराध किए और फिर उनमें 100 में से 2-5 लोगों ने दीक्षा ले ली, कर्मों का क्षय करके मोक्ष चले गए, वो 100 के 100 एक साथ वो अपराध का फल पाएंगे? जरूर नहीं है। इसलिए सामूहिक मिले ही मिले सर्वथा एक पूरा पक्का नियम नहीं है, लेकिन व्यक्तिगत तो मिलेगा ही, ये पक्का नियम है। और यदि सामूहिक मिलता दिखाई दे रहा है तो वही भी कथनचित उपचार रूप से उसको भी स्वीकार किया गया है। और अपन देखेंगे कि सामूहिक भी मिल जाता है या मिलता हुआ दिखाई देता है तो कैसे और क्यों, और व्यक्तिगत मिलता है तो वास्तव में व्यक्तिगत ही कैसे। दोनों बातें समझ आ गई पारस? दो बातें, प्रश्न दो खड़े किए थे, कर्मों का फल व्यक्तिगत मिलता है या सामूहिक। यदि हमने कोई गलत काम किया है और 2-4 लोग और उसमें शामिल हैं तो सजा सबको मिलेगी कि अकेले को? किसको मिलना चाहिए? सबको मिलना चाहिए। इसमें सबने भी एक साथ गलत काम किया है तो स्थूल रूप से सबको एक साथ सजा मिलेगी, बिल्कुल करेक्ट। लेकिन व्यक्ति शाह ही सजा मिलेगी वास्तव में ईमानदारी से देखा जाए तो, क्योंकि 5 लोगों ने भी एक साथ अपराध किया है तो 5 में से 5 एक समान अपराधी नहीं भी हो, एक की कषाय बहुत तीव्र हो, एक की थोड़ी मंद हो, एक की थोड़ी और मंद हो, और एक बस खड़ा हो जबरदस्ती में कि चलो भाई अब 4 जा रहे हैं तो 5 में भी पीछे पीछे चले चलो, नहीं तो हमारे बुरा मान जाएंगे। बहुत लोग ऐसे करते हैं दुनिया में, ऐसे तो चल रहा है सारा, 2-3 लोग गलत काम करते हैं और साथ में बेचारे जो गलत काम नहीं भी करना चाहते भी पीछे खड़े हो जाते हैं मजबूरी में। लेकिन ये बात भी समझना है कि जो मजबूरी में पीछे खड़े ना, सजा तो उनको ही मिलती है। ये मत सोचना कि हमारे तो भाव ही नहीं थे, हम तो मजबूरी में खड़े हो गए। मजबूरी में खड़े होने का भी पाप है, कई बताता हूं कैसे। ठीक है, सारे राज खुलेंगे, अच्छे से समझना। और यदि अपने साथ ऐसा कुछ होता हो तो वहां पे भी लगा लेना कि हमने तो कुछ किए नहीं, हम तो बस वहां थे, हम कैसे कहें कुछ। उसका भी फल है। कैसे है? ऐसे ऐसे उदाहरण देने का प्रयास करूंगा कि आपको लगे कि वास्तव में उसका फल है। ठीक है, प्रश्न और उत्तर जवाब मिल गया दोनों का एक शॉर्ट में। प्रश्न क्या था? कर्मों का फल व्यक्तिगत या सामूहिक? ठीक है, तो कथनचित व्यक्तिगत, कथनचित सामूहिक, इस तरह से अपन कह सकते हैं। उसमें मूलतः तो व्यक्तिगत ही है। क्या है मूलतः? तो वास्तव में तो व्यक्तिगत ही है, और एक औपचारिक रूप से सामूहिक भी दिखाई देता है। कैसे? उदाहरण देता हूं। दुनिया में ऐसा देखा जाता है कि बस पलटती है, एक साथ लग जाते हैं सारे लोग, सामूहिक हुआ ना।
भूकंप आता है, नेपाल में भूकंप आया था, बहुत सारे लोग सामूहिक रूप से तकलीफ में हुए, कई मकान निपट गए, कई लोगों की जान चली गई, बहुत सारा नुकसान हुआ, किसी के खेत उजड़ गए, किसी का कुछ उजड़ गया, बहुत सारे लोगों को सामूहिक रूप से नुकसान हुआ। सुनामी आया था, उस समय सुनामी की बाढ़ में पानी के उसमें बहुत सारे लोग एक साथ सामूहिक रूप से बह गए थे, घर नष्ट हो गए थे, बहुत सारा नुकसान हो गया था। कई बार प्लेन क्रैश हो जाती है, ट्रेन पलट जाती है, डिब्बा का डिब्बा पलट जाता है, उसके अंदर इतने सारे लोग थे, उन पर एक साथ बहुत प्रकार का घात होता है। सामूहिक दिखता है कि नहीं दिखता है? बिल्डिंग गिर जाती है, भूकंप आता है, तो भूकंप के आने से थोड़ी जमीन हिलती है और उतनी कितनी सेकंडों के लिए हिली और उतने में ही कितने मकान गिरने लगते हैं, मकान गिरे एक साथ वहां उस मकान के ही सारे लोग ध्वस्त हो जाते हैं। बिल्डिंग गिरी, बहुत सारा मंजिल मंजिल पूरी गिरी, उसमें एक साथ बहुत सारे लोग मर जाते हैं, दब जाते हैं, चोट पहुंच जाती है। ये सामूहिक हुआ कि नहीं हुआ? तो ऐसा सामूहिक हम सबको दिखाई देता है एक साथ। अब ये घटना जो बताई थी ना, इसी प्रवचन में बताई थी कि कब बताई थी, वो एक कहा कि जयपुर की कौन सी घटना, तो घर में आग लगी, वो भी किससे लगी पता है? वो रॉड से कुछ शॉर्ट सर्किट हुआ और उससे आग लगी, और गैस टंकी भी वहां पर थी, तो गैस टंकी को भी प्रभावित किया और वो भी फट गई, तो उस कारण से पूरा का पूरा घर जल के, घर तो जला जला, उसमें तीन चार लोग और थे और वो भी जल के मृत्यु को प्राप्त हो गया। सोचो सामूहिक व्यक्तिगत सब जगह सामूहिक ही दिखाई दे रहा है। इतने सारी घटनाएं सुनाई, जहां जहां दुनिया में बहुत सारे ऐसे घटना चक्र बनते हैं कि एक साथ अनेक लोगों पर बहुत सारा संकट आ जाता है। शास्त्र मुनि राजाओं पर उपसर्ग आया था सामूहिक। ऐसे और भी अनेक अनेक प्रकार के उदाहरण मिल जाएंगे दुनिया में, एक साथ अनेक लोगों पर कुछ ना कुछ उसका प्रभाव दिखाई देता है। अब इसके लिए कुछ उदाहरण देते हैं, ऐसा क्यों सामूहिक बस पलटी, सामूहिक ट्रेन पलटी, सामूहिक कुछ पलटा, सामूहिक ब्लास्ट हुआ, बॉम्ब ब्लास्ट हुए कई जगह, सामूहिक हुए, भूकंप आया, सुनामी आया, ये सब जो सामूहिक हुआ, ये सामूहिक जो फल मिला उसका कारण क्या? क्योंकि अनेक लोगों ने समूह में अपराध किया था। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप यदि कोई मूवी देख रहे हैं, मूवी में एक कोई खल्ला एक आया, जहां मूवी दिखाई जा रही है और 50 लोग बैठे हैं और एक खल्ला एक आया जो गुंडा है, बहुत पापी है, सबको परेशान करता है, हम सब पता है, पिक्चर आने के पहले ही वो जब वो बोर्ड लगा हुआ था और वहां उसका नाम लिखा था अमरेश्वरी शक्ति कपूर लाइक जो भी, तो उधर था कि ये हीरो है और ये खल्ला एक है। जहां उसकी एंट्री हुई बिल्कुल बंद बंद ऐसा, और कई बार तो चेहरा ही दिखाते अब ऐसी एंट्री हुई और एंट्री होते ही उसका चेहरा जहां निकला सबके सब गुस्सा आ गई, सबको एक साथ ये आ गया गद्दार गुंडा दामन लोग, तो इतने सारे लोग वहां बैठे रहते हैं, उनको एक साथ सबको उस पर गुस्सा आती है खलनायक होता है तो गुस्सा आती है, किसी को तीव्र आती है, किसी को मंद आती है, सबकी अलग अलग वैरायटी होती है। कोई तो ऐसा सोचता है देखते ही मुझे मिल जाता है, देखो उसको किडनैप कर लिया, उसको मार दिया, वो हीरो के उसके परिवार को, उसके माँ पिता को जिंदा घर में जला दिया, ऐसा कर दिया, मुझे मिलता तो मैं बिल्कुल छोड़ता नहीं, अंदर अंदर ऐसे बिल्कुल खून खोलने लगता है। कई लोगों को इतनी तीव्र गुस्सा आती है, कई लोगों को ऐसी गुस्सा आती है कि मैं होता तो मैं पुलिस में बता देता। देखो दोनों में अंतर हुआ, एक तो खुद ही मारना चाहता है और दूसरा क्या कहता है पुलिस को बता देता, दोनों की कसाई में अंतर हुआ। एक कहता है कि मैं उसको खुद पकड़ के समझाता या एक आध दो लगाता, कोई इतनी सोच पाता है, कोई कहता कि मैं उसको समझाता, मतलब सबकी अलग अलग, लेकिन सबको एक तरह से उसके प्रति द्वेष बुद्धि तो उत्पन्न हुई। तो जो द्वेष बुद्धि उत्पन्न हुई है एक साथ सामूहिक, तो ऐसा सामूहिक में भी जब भी कभी भी बस में जाएंगे तो एक साथ
साथ ये बस का उदाहरण दे रहा हूं, ऐसे और भी कुछ भी हो सकता है घटना, तो एक साथ सामूहिक द्वेष किया है तो उसका सामूहिक फल उनको बस आदि पलटने आदि से मिल जाता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना है इसमें, सामूहिक तो फल दिखाई दे रहा है व्यक्तिगत कैसे, जिसने तीव्र कसाई की होगी उसके बिल्कुल हाथ पैर टूट जाएंगे कंप्लीट, जितने ज्यादा तीव्र कसाई होगी। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनने थोड़ा ही से कसाई की होगी उसके खून ही निकलेगा, खून निकल आएगा, किसी और ने थोड़ी कम की होगी तो थोड़ा स्क्रैच आएगा, थोड़ा और होगा तो थोड़ी सी लग जाएगी बस खड़ा हो जाएगा तुरंत, और किसी ने जो इसने कहा था अरे बेचारा क्या है क्यों पाप करता है समझाते, लेकिन थोड़ा सा द्वेष तो उसको भी था कि है तो गलत आदमी, तो थोड़ा सा जितनी भी द्वेष कसाई थी लेकिन बहुत मंद थी तो उस कारण से वो खड़ा हो गया, उसको कुछ हुई नहीं लेकिन बस से गिरा दू। तो इस तरह से अपराध यदि सामूहिक किया है कसाई रूप में तो कसाई रूप में उसका फल भी सामूहिक रूप से ही मिलता है, लेकिन उसने भी देखा सामूहिक रूप से मिलता हुआ भी फल जो मिला शरीयत में वो कैसा मिला, व्यक्तिगत अलग अलग ही मिला, जैसे किसी को चौराहे में फांसी लगाई जा रही हो, हमें पता है कि कसाब है या लादेन है या कोई भी है, बहुत बड़ा आतंकवादी है, हमें पता चलता ना कई बार पाकिस्तान के आतंकवादी इतने मारे गए, न्यूज आई या इधर उधर पता चला, हजारों लाखों लोग एक साथ खुश हो जाते हैं, मजा आ गया अरे मजा आ गया क्या मारे गए खत्म, वही सबको एक साथ बंद, एक साथ जो अनुमोदन थी ना वो आतंकवादी मारे गए, मजा आ गया ना, सबने एक साथ जो सोचा उसका सबको एक साथ बंद हो जाता है, तो फिर एक साथ सामूहिक रूप से कहीं पर भी मिलते हैं और उनको एक साथ सजा वैसी मिलती है, बस इतना है कि जितनी जितनी जिसने कसाई की होगी उस कसाई के अनुसार उनको विविधता वाला फल मिलता है, माने कितनी गजब की बात है। और देखें कौन सा मैच जीतना चाहिए, भारत के पाकिस्तान मैच चल रहा है, भारत का पाकिस्तान का, भारत का जो भी जिस टीम का अब मैच चल रहा है, और हम एक तरफा राग कर रहे हैं दूसरी तरफ है, जब एक तरफ राग कर रहे हैं दूसरी तरफ द्वेष कर रहे हैं, तो द्वेष कर रहे हैं उस काल में हमें नहीं लगता, हमको लगता खेल है, यद्यपि खेल तो है ही लेकिन खेल के साथ उसमें कसाई तो हुई नहीं है, उस कारण से सामूहिक रूप में बंद करते हैं तो सामूहिक रूप में उसका फल ही मिलता है, अंतर इतना है कि किसकी गृहता कितनी है, फल तो एक साथ मिलेगा लेकिन एक साथ फलने मिलने पर भी जिसने जितनी गृहता से जितने कसाई पूर्व को मैच देखा होगा दूसरे वाले को हराने के लिए अंदर से जितनी मन को कर कुछ नहीं सकता, उसका बस चलता नहीं है, बस चलता तो टीवी में ही वही हाथ करके वो उसको स्टंप गिरा देता, चलता है बस ये रिमोट रिमोट ऐसा दबाता कि बॉल उसके स्टंप के अंदर घुस जाता, ऐसा है कुछ नहीं होता, बस नहीं चलता है लेकिन फिर भी सोचता तो है कि अगेंस्ट पार्टी का आदमी जल्दी जल्दी आउट हो जाए हर बॉल पे, यदि अपनी टीम का बॉल कर रहा हो तो आउट ही हर बॉल पे आउट कराना चाहते हैं, कितनी बॉल होती है एक मैच में, चलो अच्छा जवाब दिया, नहीं तो हम सोच रहे थे कि एक मैच में तो कोई कहता 350 ओवर के मैच में कितनी बॉल होती है, बॉल तो एक ही होती है, सही जवाब दिया, तो बॉल करते हैं तो कहते हैं एक ओवर में छह, देखो दिमाग वाला जवाब दिया। अब वो बॉल की तो अपन चाहते हैं कि उसकी टीम का जल्दी जल्दी विकेट गिरे और अपनी टीम खेल रही हो तो चौके छक्के उड़ाए, ऐसा सोचते हैं, तो उस समय जो सामूहिक रूप से जो बांधा गया कर्म है सामूहिक रूप से में आता है, एक साथ बांधा गया। और भी अपन जितने देखे उदाहरण, अब देखना कैसे थोड़ा सा प्रक्रिया, एक उदाहरण और छोटा देता हूं, उस उदाहरण में पूरी प्रक्रिया कि किस तरह से अलग अलग रूप में कर्म बांधते हैं, सामूहिक बांधे लेकिन बंधे व्यक्तिगत, जैसे
एक व्यक्ति ने किसी की हत्या की, ठीक है। अब हत्या तो एक ने की, एक वो हत्यारा, एक व्यक्ति। नंबर दो, एक है हत्या कराने वाला जिसने सुपारी दी है उसको, ठीक है, तो उसको मार देना, खत्म कर देना। एक वो पापी जीव, एक मारने वाला, दो हो गए। तीसरा कैसे मारे, हाउ टू किल, एक सलाहकार, सजेशन देने वाला। वहां से घुसोगे उसके अंदर, उस समय कोई नहीं रहता, वहां से जाना ऊपर छत पे से कूद के अंदर, एक वहां खिड़की, वहां से कूद जाना। एक सलाह देने वाला, वो अलग टाइप का आदमी, वो भी उसमें शामिल है। एक सुपारी देने वाला, एक मारने वाला, एक सलाह देने वाला, शामिल सब है। आगे एक ने बंदूक दी, ले ये वाली, इससे मार, ये चाकू वाकू से कुछ नहीं होगा, ये ले जाओ बंदूक। एक ने बंदूक दी, ठीक है, अलग अलग होते जाना, काम एक जन कर रहा है, मार एक रहा है, लेकिन उसमें सहयोगी कितने सारे लोग, उसमें एक दो साथ में गए, साथ देने वाले हैं। कुछ ऐसे हैं कि पता है सब, बताएंगे नहीं किसी को, छिपाने वाले, अपराध को छिपाने वाले हैं, ये अपराध को छिपाने वाले ही अपराधी हैं, ये भी उसमें शामिल है। फिर इसके बाद मान लो पुलिस भी उसकी हेल्प करे, पकड़े नहीं, टाइम लगाए, वो भी उसमें अपराधी है, जानबूझ के टाइम खराब कर रहे हैं। एक वकील जो उसके सपोर्ट में वकालत कर रहा है, क्योंकि उसका भी वकील होता है, तो उसकी सपोर्ट में वकालत कर रहा है, तो एक वो होता है। फिर जज होता है, कई बार जज भी गलत डिसीजन देते हैं, जानबूझ के देते हैं, जो भी। तो अपराध एक करता है, लेकिन एक अपराध में इतने सारे लोग किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी रूप में सहयोगी होते हैं। तो ऐसे सभी लोगों को, किसी को कृत, किसी को कारित, किसी को अनमोलना, इन सभी कारकों से एक साथ सामूहिक बंध होता है। जब सामूहिक बंध होता है तो उसका उदय आकर फल भी एक साथ सामूहिक रूप में देता है कर्म। लेकिन बात कितनी कही, सामूहिक रूप में फल मिलेगा। एक साथ कहीं पर पटाखों की फैक्ट्री में, या कहीं पर किसी ऑफिस में, या कहीं मार्केट में बॉम्ब ब्लास्ट होगा, कुछ होगा, एक साथ सबके ऊपर नुकसान होगा। लेकिन नुकसान होने पर भी जिसने जितनी वैरायटी का, जितने कषाय भावों से अपराध किया था, उसको उस कषाय के अनुसार फल मिलेगा, मिलेगा जरूर। अपराध छिपाने वाले को मिलेगा, अपराध करने वाले को मिलेगा। अब यहां के लिए देखने पर, ठीक है, वो यहां वहां सब जगह ले लेते हैं। यहां यदि किसी ने कुछ गड़बड़ किया है, किसी ने ढोलक फोड़ी है, वो छिपाया जिसने, तो छिपाने वाले को भी बिल्कुल अपराधी है, उसको भी अपराध मिलने वाला है। तो एक उदाहरण को दिया, इसके अलावा और भी जो भी जहां जहां जो काम गलत करता है, और उस काम में कोई तो सपोर्ट करने वाला होता है, कोई उसका अनुमोदना करने वाला होता है, कोई अपराध को छिपाने वाला होता है, उसमें सबके सब बराबरी से हिस्सेदार है, अपराधी है। और जब फल मिलता है तो सबका भोजन बंद हो जाता है एक साथ, राइट? हुआ था कि नहीं हुआ था? हुआ था। ऐसा क्यों? अब कोई कहे, एक ने ढोलक फोड़ी, हमका हमारा भोजन सबका एक साथ सामूहिक बंद क्यों? प्रश्न है बहुत बड़ा, क्या गजब है, इसके लिए तो सबके पास क्यों है, लेकिन उस अपराध को जो हुआ है हम सबके बीच में, जिसने किया, उसको पता होने पर भी नहीं बताना, छिपाना या उसमें सहयोग करना, इन सब में हिस्सेदारी हुई तो उसका फल मिलता है, उसमें कौन सी बड़ी बात, तो फिर सहना भी चाहिए, और फिर भी कसाय करेंगे तो पाप बढ़ता चला जाता है। इसलिए ऐसा कहीं पर भी हो, चाहे इस फील्ड में हो, चाहे किसी फील्ड में, यदि अपराध हुआ है तो सबकी ड्यूटी बनती है कि उस अपराधी को सजा दिलाना, वो अपराध छिपाना नहीं, दबाना नहीं, उसमें सहयोग नहीं करना। और सहयोग किया है तो हमें लगता है हमने क्या किया, हमने तो कुछ किया नहीं, उसने अपराध किया है, उसको दंड मिलना चाहिए, उसने छिपा के मोबाइल रखा है, हम क्या करें उसमें, उसने वो कुर्सी तोड़ी है, हम क्या करें उसमें, अरे तो हम क्या करें, नहीं तुमने बता
बताई नहीं ना, उसका अपराध छिपा है ना, इसलिए तुम भी अपराधी हो। यह है कर्म सिद्धांत, बिल्कुल पिक्चर क्लियर है। इसलिए जहां जहां जो जो छिपाता है अपराध को, उसको भी कर्म का बंधन होता है, और वो सामूहिक जब उदय में आएगा तो फिर भोगते रहो। इसलिए जान तो लो ये सिद्धांत, जिसको नहीं करना वो अपने अपने ऊपर है, लेकिन सिद्धांत में ऐसा है। कोई ये सोचता हो कि नहीं हमने तो कुछ किया ही नहीं, वो तो करने वाले ने किया है, क्यों बताएं, बताएंगे तो हमारी बुराई हो जाएगी, बस तो फिर फंसे रहो। बुराई हो जाएगी उससे डरते हो, लेकिन कर्म बन जाएंगे इससे नहीं डरता कोई, और उसका फल मिलता है तो मिलता ही मिलता है। इसलिए इन चीजों में बचना चाहिए कि सामूहिक यदि अपराध हुआ है तो जितने जितने कषाय अंश जिसके पास हैं उसके अनुसार ऐसा फल मिलता है और उससे कोई नहीं बच सकता। इसलिए मामलों में बहुत सावधानी रखना चाहिए कि यदि कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है और हमें पता है कि यह जो काम गलत हुआ है, उस गलत काम में हमारी ड्यूटी बनती है, क्योंकि निर्देश इस तरह के हैं कि कोई भी कहीं पर गलत काम हो तो सबकी ड्यूटी है कि उस गलत काम को दूर करे। हर एक की ड्यूटी है, किसी एक व्यक्ति की नहीं, किसी वार्डन की मात्र नहीं, किसी ऊपर की किसी की नहीं, हर एक व्यक्ति। जैसे अपना घर रहते हैं ना, अपन घर में तो घर में नल टूटता फूटता है, कुछ और भी बिजली बिजली खराब हो जाती है, तो उसमें किसकी गलती होती, पिताजी की कि मम्मी की, किसकी गलती होती? सभी की है। यदि यदि बच्चे को पता है या किसी को पता है कि नल खराब हो गया है, पानी लगातार बहता जा रहा है, यदि वो नहीं बताते क्या बताऊंगा, ये तो पापा का काम है, कोई नल सुधर नहीं है, गलत बात है, पापा का काम है, बस ऐसा नहीं, हमने नहीं बताया, हमारा भी काम था, भले ही हम सुधरवा नहीं सकते, लेकिन हमारा इतना तो काम है कि नल खराब हुआ है तो यदि हम बड़े हो गए हैं सुधार सकते हैं तो सुधारें, सुधरवा सकते हैं तो सुधरवाएं, नहीं बन सकता तो कम से कम बताएं, तो छिपाए नहीं, यदि छिपाया तो हम पूरे अपराधी। ऐसे कोई भी गलत काम हो रहा हो घर में तो उसमें छिपाना नहीं चाहिए, बिल्कुल स्पष्ट बताना चाहिए, डरना नहीं, जो डरते हैं बस। सत्य तो यह है, अच्छे काम में डर लगता है, बुरे काम में किसी को डर नहीं लगता, करते चले जाओ करते चले जाओ। एक खड़ा हो जाएगा भेड़ तो दूसरी भेड़ें पीछे पीछे चलती चली जाएंगी, अंधी दूधी लंगड़ियां, बस उनको ना तो कुछ दिखाई देता है ना सुनाई देता है, एक कहां चली जा रही है, हम भी पीछे चले जा रहे हैं, ये नहीं देखती कि वो भी गड्ढे में गिरी, पता दिख रहा है वो गिरी धड़ाम, दूसरी देख रही कोई बात नहीं, दूसरी भी गिरी, फिर तीसरी भी गिरी, चौथी देखी जा रही है वो गिरती चली जा रही है, गिरती चली जा रही है, चलते चलो अपन नंबर आया, ये भी धड़ाम, पीछे वाली आई कोई बात नहीं, तो ये गई ना, अपन भी चलो, सब चलते चले जा रहे। माने कोई देखने वाली, जैसे भेड़ को कुछ अकल नहीं होती है, उसी तरह यदि हम समझदार लोगों में, कहीं के दुनिया के लोगों में यदि वही अकल ना हो तो उसमें हमें क्या अंतर रहा। इसलिए कर्म फिलोसफी पढ़ने वाले, कर्म सिद्धांत को पढ़ने वालों को हमेशा निडर और दृढ़ रहना चाहिए, अपने परिणामों को चेक करें कि हमारे यदि परिणाम सही हैं, हम गलत नहीं हैं, तो हमें किसी का डर नहीं है, सब लोग हमारे विरोध में हो जाएंगे, कोई परवाह नहीं, दृढ़ रहो, अपने अंदर की शक्ति बोलना चाहिए, लगना चाहिए कि हम अपने काम में सही हैं, हमारे पास धर्म है। जैसे वो डायलॉग था, तुम्हारे पास क्या है, माँ है, जिनवाणी माँ है हमारे पास, जिनवाणी माँ का जिसके पास सहारा हो, जैसे आलतू फालतू लोगों से अपन क्या डरना, तो इस तरह का अपने अंदर से डर खत्म हो, और कर्म से डर लगे, संसार से डर लगे, वो असली डर है, तो ये चीज अंदर यदि उतर जाए तो कर्म सिद्धांत का सही रिजल्ट मिल गया, और यदि नहीं मिलता है तो फिर तो वो एक ही गिरती जाएगी, धड़ाम धड़ाम से गिरते चले जाओ, ऐसा होता चला जाएगा। इसलिए हम ऐसे सभी पापों से बचते रहे और कर्मों के सही स्वरूप को समझकर ये व्यवस्था को स्वीकार करें। तो दो बिंदुओं पर आज अपन ने चर्चा की, एक तो अपन ने की थी बात पहले, फल कब मिलता है, वर्तमान में भविष्य में, इस सिद्धांत को स्वीकारें, और कर्म फल व्यक्तिगत मिलता है या सामूहिक, तो सामूहिक जैसा भी दिखता है होता व्यक्तिगत है, लेकिन यदि किसी रूप में हमने अनुमोदना की है,
वो अपराध छिपाया भी है तो भी हम अपराधी हैं, ऐसा जानकर अपने इस कर्म सिद्धांत के स्वरूप का निर्णय करें और इन सब कार्यों से बचें जिससे हमारा भला होगा, और ऐसा भला हम सभी करें इस भावना से यही प्रार्थना।